हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं अगेन आपके लिए एक ज़बरदस्त स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी और इसमें मैं आपको ए टू जी तमाम प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, आपकी ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ओवरऑल स्किन टाइप के लिए। और आपको डिटेल सारी ए टू जी बताऊंगी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन जिनकी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है। मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि स्पेशली ऑयली स्किन के लिए हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मैंने वो पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और उससे 100% आपका ऑयल कंट्रोल भी होता है, साथ आपकी एक्नी भी रिमूव होती है और आपको बहुत अच्छा पूरे दिन तक आपका जो है ना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी ए टू जी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना सबके बारे में आपको डिटेल बताऊँगी। और सारे अब चलते हैं हम फेस वॉश की तरफ। अब इतनी ह्यूज रेंज है फेस वॉश की और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट कौन से हैं, ड्राई स्किन के लिए कौन से बेस्ट हैं और जो है सेंसिटिव स्किन के लिए कौन से अच्छे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एवलिन के फेस वॉश और यहाँ पर ये ऑल स्किन टाइप हैं। यहाँ पर आपको ऑयली स्किन के भी एवलिन में मिलेगी ह्यूज रेंज, ड्राई स्किन की भी होगी और सेंसिटिव स्किन की भी होगी। एवलिन का ये वाला फेस वॉश जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्पेशली ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो गर्ल्स इसके साथ ही एवलिन का है ये स्क्रब, फेशियल स्क्रब, इसका मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा है, वाइटनिंग भी आपको देता है और आपकी जो डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव करता है। इसके साथ ही एवलिन का ये है टी ट्री फेस वॉश जो कि स्पेशली है ऑयली स्किन के लिए, तो ये भी अगर एवलिन की बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो ऑब्वियसली ये भी अच्छा होगा। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं है बट आई होप सो कि ये अच्छा हो, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती कि आप इसको लें, मैं बस जस्ट आपको दिखा रही हूँ, आइडियाज़ दे रही हूँ आपको। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद गर्ल्स यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कैसी मैं आपको जो है ना रेकमेंड कर सकती हूँ या बता सकती हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो जस्ट मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको आगे जाकर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी दिखाऊँगी जो कि मैंने पर्सनली खुद यूज़ की हैं, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो आप ले सकती हैं, उनके आपको रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके साथ आप देखें कि इनकी तमाम प्रोडक्ट्स हैं फिट से रिलेटेड हैं, यानी कि हाथ पाँव की स्क्रबिंग के लिए और ग्लोइंग के लिए, इसके बाद टोनर्स हैं इसके अंदर, क्रीम्स हैं इनकी, और क्रीम्स मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। इसके बाद यहाँ गर्ल्स कुछ बॉडी स्क्रब्स पड़े हुए हैं, ये कुछ जेल्स पड़ी हुई हैं, एलोवेरा जेल हैं और इसके साथ ही बायो एक्वा की कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जो कि स्किन लाइटनिंग से रिलेटेड हैं, बॉडी से रिलेटेड हैं, बॉडी लाइटनिंग के लिए। ये स्क्रब है, ये देखें बायो एक्वा का ये बॉडी स्क्रब है और लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, मैं जस्ट आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। और इसके साथ ही डॉक्टर शील की भी कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो भी उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। ये विटामिन सी का सीरम मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसके साथ आप देखें कि रिवा यूके की ये वाइटनिंग एक्सपर्ट फेशियल कैप्सूल्स हैं जो कि वाइटनिंग के लिए हैं, आपकी स्किन को ब्राइटन करते हैं, फाइन लाइंस को ये जो है ना रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं फाइन लाइंस, रिंकल्स। और अभी मैंने यूज़ नहीं किए हुए, वही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आई होप सो कि रिवा यूके की काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो अच्छी होंगी, लेकिन मैं यूज़ करूँगी, यूज़ करके फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे हैं। अब ये इनका चारकोल मास्क है रिवा यूके का, काफ़ी ज़्यादा रिवा यूके ने प्रोडक्ट्स जो है ना वो लॉन्च की हैं और ऑलमोस्ट आपको स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड आपको हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। इसके बाद ये हैं हर्बियन की कुछ प्रोडक्ट्स जो कि फिट क्रीम पाँव के लिए हैं, बहुत अच्छी हैं ये भी, ये मैंने एक दफ़ा यूज़ की थी तो ये काफ़ी अच्छी थी। और इसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इनके साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये ऑप्शंस हैं। ये जी है हमारे सन ब्लॉक्स, तो लेडी डियाना के ये जो सन ब्लॉक हैं इनका भी रिज़ल्ट अच्छा है लेकिन इतने अच्छे नहीं है, मुझे नहीं ये पर्सनली यूके के सन ब्लॉक जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, पर्सनली मैं वही यूज़ करती हूँ और साथ विंसी के भी बहुत अच्छे हैं। तो विंसी की जो है ना प्रोडक्ट्स तमाम बहुत अच्छी हैं। इसके साथ मैं आपको आगे इनका एक फेस वॉश दिखाऊंगी विंसी का, उसका बहुत कमाल रिज़ल्ट है भी बहुत सस्ता, रीज़नेबल है और बहुत जो है ना अच्छे आपको इंस्टेंट वाइटनिंग देता है, डलनेस जो है ना फेस की वो ख़त्म करता है।
इसके साथ ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, ये भी अच्छी हैं, अच्छी होंगी। ये हम लोग जब ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च नहीं हुई थी शुरू में, तो ये गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स इसकी कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते थे, काफ़ी अच्छी होती थी। फेशियल वगैरह इनका स्टार्ट में सबसे पहले आया था तो काफ़ी अच्छा था, यानी कि हमने जब देखा था फेशियल, सुना था इसके बारे में, तो उस वक्त की बात कर रही हूँ। इसके साथ आप ये देखें कि ये कोई न्यू ब्रांड है और इसकी चीज़ें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी रेंज है। इनके खासतौर पर स्पेशली हेयर केयर रूटीन इनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये बेबी शैम्पू है और साथ ही बॉडी वॉश है आप, और इसके साथ ही ये हेयर रिपेयर कंडीशनर है इन्हीं का, को नेचुरल का। और इसमें मैंने ये यूज़ नहीं की हुई, लेकिन ये देखें कि इनकी भी जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपको 600-700 की रेंज से इनकी जो है ना स्टार्ट हो रही हैं प्रोडक्ट्स। तो ये को नेचुरल की ये एलोवेरा जेल है, ऑर्गेनिक रोज़ फेस वॉश है, और इसके साथ एक और फेस वॉश है, मतलब कि इनमें भी बहुत से आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, और कॉम्बिनेशन सेंसिटिव तमाम ऑल स्किन टाइप्स के लिए इनकी तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और गर्ल्स, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बिल्कुल मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही और कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, मैं बस आपके नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो स्किन के लिए बेस्ट हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जिनका मुझे आइडिया नहीं है वो भी मैं दिखाऊँगी, ताकि जो है ना वैसे ही बस मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। डिवर्सन पे मैं आई हूँ और यहाँ पर आपको एक ह्यूज रेंज मिलती है, आपको कुछ भी यहाँ से मिल सकता है। इवन कि ये ज़ाहिर बात है ये बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी ब्रांड्स हैं, ये पाकिस्तान की नहीं है, ये इंपोर्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेड हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, ये हिमालया का जो फेस वॉश है ये स्पेशली पिम्पल्स के लिए होता है, नीम फेस वॉश, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये सोप फ्री होता है और पिंपल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, लेकिन इससे भी बेस्ट एक ऑप्शन है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, जो कि मैंने अपना पर्सनली पिंपल्स के लिए यूज़ किया था फेस वॉश, और कमाल उसके रिज़ल्ट हैं, अमेजिंग। और उससे आपके 100% जो है ना ऑयल रिमूव होता है, पिंपल्स कंट्रोल होते हैं, तो बहुत अच्छा है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं ये हिमालया की हैं, और हिमालया जो है इंडिया की ब्रांड है आपको पता है, और बहुत अच्छी है ये। चारकोल मास्क इनका बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर फुट केयर की बात करें तो उसमें फुट स्क्रब जो है ना वो बहुत अच्छा है, फुट बॉम जो है वो बहुत अच्छी होती है। स्क्रबिंग के बाद आपको बॉम की ज़रूरत होती है पाँव को मॉइस्चराइज रखने के लिए, वैसलीन जो है वो भी ठीक होती है। आप स्क्रबिंग के बाद कोई अच्छी चीज़ जो है ना, कोई बॉम या कोई क्रीम, फिट क्रीम जो है वो आप अप्लाई करें। मैं आपको विंसी का ये दिखा रही हूँ फेस वॉश, नेचुरल फेस वॉश है, ग्रीन टी का बना हुआ, तो अच्छा है। अब इसके बाद आपको अगर स्किन पर ग्लो चाहिए, आपको वाइटनिंग चाहिए, तो उसके लिए ये विटामिन सी का जो इनका फेस वॉश है ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैंने इनकी ना 3-4 चीज़ें यूज़ की हैं, तो मुझे इसलिए ट्रस्ट है इनके ऊपर, विंसी की प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी हैं। इनका ख़ास तौर पर जो भी फेस वॉश जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी वो तो कमाल है ना, वो हम काफ़ी टाइम से घर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके बाद आप ये देखिए कुछ इनकी क्रीम्स हैं, पोन्स की क्रीम है, और इनके पोन्स के चारकोल मास्क हैं और फेस वॉश हैं, तो एक ह्यूज रेंज है यहाँ पर। डव के भी हैं, मिक्स ही हैं, मिक्स बहुत। इसके बाद ये एक लोरियल की क्रीम है जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ये फेस को लिफ्ट करता है, आपके फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। रिमूव तो है, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो रिमूव कर सके। आपको यही होता है कि आप कोई चीज़ जब अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं जब तक आप उसको यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो फिर आपको जो है ना उसकी स्किन, आपकी स्किन जो पहली जगह पर ही आ जाती है। इसके बाद ये पिग्जी का मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्लिनजिंग मिल्क है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, यानी कि आपकी ये क्लिनजिंग बहुत अच्छे से करता है और ग्रीसी भी नहीं करता स्किन को, ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है, फॉर ऑल स्किन टाइप है, यानी कि ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन हर बंदा यूज़ कर सकता है। इसके साथ ये एक आपको मैं मेन की एक्नोफाइट फेस वॉश है, ये मतलब आपका स्क्रब का भी, मास्क का भी, फेस वॉश का भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं, ये 6-in-1 है और भी मतलब काफ़ी अच्छा है ये,
हर लिहाज से। तो ये खाली मर्दों के लिए नहीं है, आप अगर लेडीज़ इसको यूज़ करती हैं ना तो बेस्ट है। इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि लोरियाल का ये है फेस वॉश। तो लोरियाल के तो कमाल रिजल्ट्स हैं। अगर आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहती हैं ना नॉर्मल स्किन के लिए, तो लोरियाल की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत बेस्ट हैं। इसका जो स्क्रब आता है लोरियाल का वो तो कमाल है ना, उसी से मेरे पिंपल्स जो है ना वो रिमूव हुए थे। इसके बाद माइसलर वाटर, तो आपको पता है कि गार्नियर का ये माइसलर वाटर जो है ना बहुत अच्छा है, और आप इसको जो है ना आराम से, ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, चाहे जितनी भी सेंसिटिव स्किन हो तो आराम से ये मेकअप को रिमूव कर देता है। इसके बाद गार्नियर की कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ये मेन की, अब देखें मेन की भी ह्यूज रेंज है अब तो, मतलब लड़कियों का तो वैसे गार्नियर में आपको मेंस की जो है तमाम रेंज मिल जाएगी, मास्क वगैरह, फेस वॉश और स्क्रबिंग, हर चीज़ ए टू जेड मिल जाएगी। अब जो जो गर्ल्स यूज़ करती हैं वही बॉयज़ के लिए तमाम चीज़ें हैं। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि गार्नियर का मेन का एक्नो फाइट ये वाला जो मैंने आगे आपको बताया है, ये बहुत अच्छा है और ये आपको आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं और इसके रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। गार्नियर का जो लेडीज़ वाला फेस वॉश है उसकी नस्बत आपको ये अच्छे ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। इसके बाद विंसी का ये देखें, ये मेंस के लिए हैं फेस वॉश और ये भी बहुत अच्छे हैं। विंसी की तो तमाम प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड हैं, अच्छी हैं काफ़ी हद तक। इसके बाद ये देखें, ये कुछ क्रीम्स हैं इनकी, ऑयली स्किन के लिए हैं, ड्राई स्किन के लिए हैं और फॉर ऑल स्किन टाइप्स हैं। नीचे ये सारे हेयर ऑयल्स हैं, हेयर टॉनिक्स हैं, तो ये भी ऑप्शन है आपके लिए। आप ये तो फिर आपको पता है कि आपके बालों की कंडीशन कैसी है, और यहाँ पर ये सारी हेयर केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, लेकिन मेंस के लिए हैं ज़्यादातर। ये आपको हेयर टॉनिक और रीग्रोथ सीरम्स वगैरह हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब एक एक बंदा अगर डिटेल में जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। ये आगे हेयर जेल्स वगैरह हैं, हेयर क्रीम्स हैं, सेटिंग क्रीम्स हैं, सेटिंग स्प्रे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे हेयर टॉनिक वगैरह, ऑयल, मास्क वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही आप ये देखें, ओले की क्रीम है। तो गर्ल्स ये है विंसी का मैजिकल फेस वॉश, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको इंस्टेंट वाकई ग्लो भी देता है, इंटेंसिव ग्लो इसका नाम है, और इंस्टेंट आपको ग्लो भी देता है, वाइटनिंग भी देता है, आपकी स्किन जो डल होती है ना उसको भी फ़ौरन से ये सेट करता है और इंस्टेंट वाइटनिंग आपको देता है। और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल अफोर्डेबल है, 350 में आपको ये मिलेगा। तो ये मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर लें अगर आप लेना चाहते हैं, ये हमारे घर में बहुत यूज़ होता है। तो स्किन केयर में बाकी सारी विंसी की जो फेस वॉश, स्क्रबिंग, ईच एंड एवरीथिंग है जहाँ पर, और वहाँ पर वाइटनिंग क्रीम्स भी हैं। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं विंसी की अब वाइटनिंग क्रीम जो है वो नाइट क्रीम यूज़ करूँगी और फिर मैं उसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगी कि वो कैसा है, तो फिर मैं उसके रिव्यूज़ आपको दूँगी। और इस साइड पर गर्ल सारी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस वगैरह हैं ड्राई स्किन के लिए। तो डव की भी क्रीम बहुत अच्छी है, और लेकिन मैं खुद जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो निविया की यूज़ करती हूँ, उसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जॉनसन की भी बहुत अच्छी हैं, वो भी बेस्ट हैं। इसके बाद ये इंचेंटर के भी, इसकी क्रीम तो नहीं मैंने यूज़ की लेकिन इसका लोशन जो है वो बॉडी लोशन मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है उसका। और इसके बाद ये वाली क्रीम भी अच्छी है, 7 डे बायो, और इसका भी अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने यूज़ की हुई है। अब ये देखें इतनी ह्यूज रेंज है, मैं आपको सारी एक एक करके नहीं दिखा सकती, लेकिन ये सारे ही जो है ना अच्छे हैं मॉइस्चराइज़र, निविया के खास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो कल ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, पसंद आए तो थम्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।